कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बता दें कि कल ही विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया था। हिमाचल प्रदेश में 39 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,141 हो गई है। बता दें कि राज्य में अब तक इस संक्रमण के कारण 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में लगातार वृद्धि हो रही है और योगी सरकार ने महामारी के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए इस वीकेंड पर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बघा इलाके में सशस्त्र सीमा बल और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए। इनसे हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,93,802 हो गई है, जिनमें से 2,76,885 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक 21,604 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 475 लोगों की मौत हो चुकी है। बठिंडा के अर्धशनगर की मंदिर कॉलोनी में आज प्रातःकाल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना मिली है। मृतक की उम्र 29 वर्ष है और उसका नाम जोनी राम बताया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दफ्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के भी सैंपल लेने की प्रक्रिया जारी है। इसी दौरान जिले के DHO और 2 अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को परमिशन देने से जुड़ा फैसला बदल दिया है। इसके तहत पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस अमेरिका में चार्टर फ्लाइट्स चला सकती थी, लेकिन अभी से प्रतिबंधित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है।